क्या सुषमा को वेलकम। आज हम ऐसा पाउच बनाएंगे, ये देखिए। ऐसा पाउच बनाने के लिए हम ये छोटे छोटे कपड़े, ये देखिए, छोटे छोटे कपड़ों को ज्वाइंट करके और हम ये पूरी ऐसे पूरी लंबाई करेंगे। ऐसे हम ये, जैसे ये है और ये है, जैसे सबको ऐसे ज्वाइंट करके ऐसे ज्वाइंट करेंगे। ऐसे ज्वाइंट करके हम 9 इंच चौड़ाई और लंबाई, हम जैसे आपको बड़ा बनाना है छोटा बनाना है वो उसके हिसाब से, जैसे अब इसमें हम 9 इंच चौड़ाई लेंगे और लंबाई लेंगे हम 15 या 16 इंच की, और इसमें छोटा भी कर सकते हैं और बड़ा भी कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे सभी कपड़े इसमें काम आएंगे। जैसे आप छोटे छोटे कपड़ों को आप फेंक देते हैं, इससे आप बहुत कुछ बना सकते हैं, बेबी कैप बना सकते हैं, पर्स भी बना सकते हैं, और भी चीज़ें हम बताएंगे आगे। तो ये आज हम पाउच बनाएंगे, तो इसके लिए हम पहले ये छोटे छोटे को ऐसे ज्वाइंट करेंगे। ऐसे ज्वाइंट करके हमने एक पीस बना रखा है ऐसे, ये देखिए, ये ज्वाइंट कर रखा है, ये देखिए, सभी को छोटे छोटे को ज्वाइंट करके। और हमने ये 9 इंच लंबा लिया है, ये चौड़ाई ली है इसकी 9 इंच, ये देखिए 9 इंच इसकी चौड़ाई हैगी। और लंबाई हम लेंगे, जैसे इसमें ऐसे फोल्ड करेंगे, ऐसे फोल्ड करेंगे, ये ऐसे फोल्ड करेंगे। तो आप इसमें 14 इंच 16 इंच जितना भी आप बड़ा छोटा करना चाहते हैं उस हिसाब से आप इसमें कर सकते हैं। ऐसे 14 इंच भी ले सकते हैं, 12 इंच भी ले सकते हैं, 16 भी ले सकते हैं। तो हम इसको अब इस छोटा बनाएंगे, तो हम इसमें 12 या 14 इंच ले सकते हैं, तो ये 9 इंच और 12 इंच लेंगे हम, और इतना इसको कट कर देंगे। ये देखिए 12 का इसमें आधा इस साइड में आधा उस साइड में, 6 6 इंच का हम ये लेंगे लंबाई, और चौड़ाई हमने 9 इंच बताई आपको। और अब यहाँ से हम कट कर लें। अब ये पीस है, इसमें हम बोरी सी बनाएंगे, जो ये हमारे चावल की बोरी रहती है उसको अंदर देख के हम स्पंज की जगह इसको काम लेंगे। ये स्पंज की जगह इसके अंदर बैग में डाल सकते हैं, बहुत ये बिल्कुल धोने पर भी ऐसे ख़राब नहीं होते हैं ऐसे। अब हम इसको ऐसे रखेंगे, इसके ऊपर ऐसे रखेंगे, इसके अंदर फिर ये कोई भी कपड़ा ये छोटा हुआ इसके अंदर ऐसे रख के, और हम इसको चारों तरफ से सिलाई कर देंगे। बीच में भी हम सिलाई लगा सकते हैं, और नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा इसमें। ये देखिए ऐसे बीच में भी लगाएंगे और चारों तरफ इसको सील लेंगे। इसके बाद हम इसमें, और ये जिप है, 2 पॉकेट का बनाएंगे, तो ये 2 जिप हैं। और ये अब हम इसको यहाँ से कट करके पूरा चारों तरफ से सिलाई लगा लेंगे, और फिर इसके अंदर जिप कैसे लगाएंगे और 3 2 पॉकेट कैसे करेंगे वह आगे बताएंगे हम। तो पहले हम इसको यहाँ से कट करके पूरा चारों तरफ सिलाई करते हैं। देखिए ये हमने पूरा बोरी अंदर दी है, एक पीस अंदर लगाया, एक बाहर लगाया ज्वाइंट करके, और अब हम इसमें चैन लगाएंगे। तो चैन कैसे लगाएंगे, पहले इससे पहले हमने जैसे यहाँ चैन लगा देंगे, एक चैन ऐसे लगाएंगे, ऐसे चैन को उल्टी रखेंगे और इस पाउच को सीधा रखेंगे, और ऐसे लगा के और फिर हम इसको ऐसे पलटी कर देंगे। ये पलटी करेंगे, ये हमारा ये बीच में लगेगा ये कपड़ा, ये दोनों का बीच का है, वहाँ ऐसे बीच में ये सिलाई लगाएंगे, और फिर हम इसको इसके भी लगा देंगे, ऐसे ज्वाइंट कर देंगे इसको, ऐसे करके ऐसे ज्वाइंट कर देंगे और इसको ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे, और फिर हम एक एक चैन यहाँ लगेगी, इसके एक चैन यहाँ लगेगी,
और ये लगाने के बाद फिर हम उसको ऐसे पलटी करके और ये एक भाग इसके और लगाएंगे, दोनों का एक एक इसके लग जाएगा और एक एक इसके लग जाएगा। और बीच में ये कपड़ा है इसको हम सिल के यहाँ बीच में सिल के यहाँ ऐसे सिलाई कर देंगे और फिर हम दोनों की चैन ऐसे लगाएंगे तो ये दोनों पॉकेट अलग अलग हो जाएंगे। और उसके बाद हम साइड में ये पट्टी लगाएंगे, कोई भी पट्टी आप लगा सकते हैं, ऐसे ही पट्टी लगा देंगे हम साइड में, जैसे ये साइड में ये रहेगा तो ये पट्टी ऐसे लगेगी यहाँ तक। तो पहले हम इसमें ये चैन लगाते हैं एक ऐसे और एक ऐसे, बीच में सिलाई करते हैं कपड़े को और फिर ये दोनों की चैन का एक एक भाग इस कपड़े के लगाएंगे। दोनों साइड में लगा दिए ये, एक साइड में एक इस साइड में और ये बीच में ये कपड़ा लगाया हमने। और अब हम इसको ऐसे ज्वाइंट करते हैं, ये लेंगे और ये लेंगे, इसका एक भाग लेंगे और इसको अंदर की तरफ ऐसे ज्वाइंट करते हैं उल्टा करके, ऐसे उल्टा करेंगे और इसको ऐसे दोनों की चैन का ये एक एक भाग लेंगे ये, और ये सिलाई लगाते हैं, ये सिलाई लगाएंगे और फिर हम सीधा करेंगे तो ये दो पॉकेट अलग अलग रहेगी। तो हम ये सिलाई लगाते हैं और ये पट्टी ज्वाइंट करते हैं, जो ये पट्टी है साइड की इसमें भी हम ऐसे ही बोरी भर के ये एक एक कपड़ा नीचे एक आगे ऊपर और ऐसे बीच में बोरी, ये बोरी का ये और इसमें ऐसे ज्वाइंट करेंगे यहाँ से यहाँ तक सिलाई करेंगे। पहले हम जैसे पहले ये ज्वाइंट कर देंगे, ये पट्टी भी ज्वाइंट कर सकते हैं पहले ऐसे लगा के, ऐसे बीच का इसका सेंटर ऐसे लगा के और फिर एक सिलाई ऐसे लगाएंगे और फिर इसको ऐसे सीधा करके और फिर दोनों साइड में ये सिलाई लगा के ये ज्वाइंट करते हैं। तो ये पट्टी ज्वाइंट करते हैं और फिर इसके बाद ये दोनों की ये चैन ज्वाइंट करते हैं। ये हमारा पाउच तैयार हो गया, दो पॉकेट का पाउच है, ये देखिए एक पॉकेट ये हो गई और एक पॉकेट ये हो गई, बीच में कपड़ा लगा के और इन दोनों की ये चैन, एक पॉकेट ये और ये हमारा, जैसे कहीं भी आप जा रहे हैं सफ़र में भी लेके जा सकते हैं, बच्चों के लिए भी आप उसके पेन पेंसिल सब इसमें डाल सकते हैं और इसको ऐसे टांग सकते हैं। तो ये देखिए इसको बंद करके ऐसे ये हमारा बोरी है, जैसे बोरी डाल के इसमें स्पंज की भी ज़रूरत नहीं, कोई भी आपके पास बोरी का पीस पड़ा हो वो इसके अंदर डाल के आप बना सकते हैं। और बचे हुए कपड़े का ये पाउच हमारा तैयार होता है। आज का वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर।